ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सूर्य की शक्ति से ही सारे ग्रह चलायमान होकर व्यक्ति के भाग्य की रूपरेखा रचते हैं। ऐसे में सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली में विद्यमान ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है, सफलता के द्वार खुल जाते हैं। रविवार को सूर्य की आराधना विशेष फलदायी रहती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार रविवार सूर्य का वार है। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना अर्चना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य के निमित्त दान पुण्य करने से बड़ा अशुभ टल जाता है। सूर्य की आराधना से कुंडली में राजयोग का भी निर्माण होता है। यदि किसी की कुंडली में गरीबी, निर्धनता और शत्रुओं से बार बार हारना, पराजित होना लिखा हो तो उसे सूर्य की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्य की विशेष आराधना करने से व्यक्ति के भाग्य में राजयोग का निर्माण होता है। यदि कोई व्यक्ति कारागार में हो और उस पर कोई अपराधी केस चल रहा हो तो भी सूर्य मंत्र के जाप से वह व्यक्ति कारागार से छूट जाता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सूर्य की आराधना उपासना कैसे करें। रविवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर एक तांबे के लोटे से सूर्य देव को गायत्री मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय लोटे से नीचे गिरते हुए पानी से जल से सूर्य के दर्शन करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद गायत्री मंत्र की एक माला का जप कर लें। इससे बुरे से बुरा कष्ट टल जाएगा। इस छोटे से उपाय से एक बार किसी भी प्रकार के अनिष्ट को समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी की नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा हो या कोई व्यक्ति बेहद बीमार हो तो उसे भी इस उपाय को कर लेना चाहिए।